लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। विकी, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि हमें इंतजार करने की आदत नहीं है, जानते हो ना? लड़की कहाँ है? आती होगी साहब, बाहर बारिश भी तो बहुत तेज है, कहीं ट्रैफिक में फंस गई होगी। शायद आ गए। इतना टाइम तुमने कहाँ लगा दिया? बाहर बहुत बारिश पड़ रही है ना साहब। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात। कपड़े बदल के आ जाओ। बाथरूम किधर है? उधर है। उधर? अब हम तुम्हारे कर्जदार हैं लड़की, और याद रहे राणा कर्ज और फर्ज दोनों को एक ही नजर से निभाता है। मेरा भाई मेरी ही आंखों के सामने से गायब हो जाए, घर से उसे कोई उठा कर ले जाए, ये नामुमकिन है। उसका पता करो, अगर रीकू नहीं मिला तो तुम्हारे घर के चूल्हे जलने बंद हो जाएंगे। जाओ ढूंढो उसे। साहब, चलती गाड़ी से कुछ आदमी ये पैकेट बंगले में फेंक गए हैं। खोलो इसे। ये वीडियो कैसेट है साहब। चलाओ। बचाओ! 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 डीके, तुम्हारा बायां हाथ तो कट चुका, अब तुम अपने दाएं हाथ का अंजाम देख रहे हो, वो भी कटने वाला है। बाकी रह गए तुम, हम जब चाहेंगे तुम्हारी गर्दन अपने हाथों में लेकर नचोड़ डालेंगे। राम साथे। रिवाल्वर को जेब में वापस रख लो। रिक्कू की जान की कीमत तुम्हारे लिए 2 करोड़ रुपए से ज्यादा है। याद रहे, हमारा माल एक वैन में रखो, आज ठीक 12 बजे नरीमान पॉइंट के कोने वाली सड़क पर उस वैन को लाकर खड़ा कर दो। वहीं तुम्हें एक एम्बुलेंस मिलेगी, उसमें रिक्कू होगा। और सुनो, अदला बदली सिर्फ गाड़ियों की होगी, और समझ लो, अगर हमारा माल हम तक नहीं पहुंचा तो रिक्कू की लाश तुम तक जरूर पहुंच जाएगी। रीकू साहब कहाँ हैं? एम्बुलेंस में। मोड़ लो।
कदम दो जीपे तैयार रखो, राणा को गिरफ्तार करने जाना। जी साहब। मैं कम इन सर? यस कम इन। सर सर आप कहते थे ना कि राणा को गिरफ्तार करना नामुमकिन है, लेकिन अब वो मुमकिन हो गया है सर। मेरे पास सबूत है, राणा की गाड़ी का नंबर MMR 9628, वो गाड़ी चोरी की है। लेकिन सर आपको कैसे पता चला? आप नौकरी ज्वाइन की हुए कितने दिन हुए? यही सर 2 महीना। और मुझे 10 साल हो गए हैं पुलिस की वर्दी पहने हुए, और 10 सालों से मैं इनकी ये जंग देख रहा हूं। ये जंग इन्होंने शुरू की और यही इसे खत्म करेंगे। ये लोग बहुत ही शातिर और चालाक हैं, अपने जुर्म के तमाम सबूत बड़ी ही सफाई से मिटा देते हैं। और बगैर सबूत के ना हम कुछ कर सकते हैं ना ही अदालत। गुनहगार कितना ही चालाक क्यों ना हो डीसीपी साहब, लेकिन वो कभी ना कभी कहीं ना कहीं पर तो अपने गुनाह का दाग छोड़ ही जाता है। और मैं इस गुनाह के दाग को राणा की शक्ल में एक दिन कठेरे में लाकर खड़ा करके ही रहूंगा। जय अगर राणा के लिए काम कर रहा है तो इससे हमें क्या? हमें तो दे ही रहा ना 3 लाख रुपए दहेज में। बेटे हमें आम खाने से मतलब रखना चाहिए, पेड़ गिरने से नहीं। पिताजी मुझे ही समाज में रहना है, लोग मुझ पर उंगली उठाएं ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। अरे छोड़िए समाज की बातें, समाज उसी की इज्जत करता है जिसकी जेब में माल हो। तू अपनी डॉक्टरी संभाल। नहीं पिताजी ये हरगिज नहीं हो सकता। एक बात आप साफ साफ सुन लीजिए, मैं एक गुनहगार की बहन के साथ कभी भी शादी नहीं कर सकता। तू अगर मेरा जिद्दी बेटा है तो मैं भी तेरा बाप हूँ। ऐसा हिसाब किताब लगाऊंगा कि सांप भी मर जाए और लाठी ना टूटे, तेरी जिद भी रह जाए और मेरा काम भी बन जाए। नमस्ते नमस्ते त्वारीला जी, आई बैठिए। आज आपने यहाँ आने की तकलीफ कैसे की? भैया मैं तो हिसाब लगा के आया था कि 7 दिनों के बाद पंडित जी ने शुभ मुहूर्त निकाला शादी का, चट मंगनी और पट शादी। पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि वो 2 लाख भी तुमने जमा किए या नहीं। दरअसल मुझे चिंता एक ही बात की है, वो 10 दिनों के बाद में सक्सेना साहब अमेरिका से आने वाले, उनके आने से पहले ही मैं इस शुभ काम को निपटा देना चाहता हूँ। भाई आखिर बाप हूँ, दो प्यार करने वाले दिलों को कत्ल करने वाला कसाई तो नहीं हूं ना मैं। अरे नहीं नहीं नहीं, अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो आप अंदर आके देख लीजिए। आइए ना। चल 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 चल। ये देखिए तिवारी लाल जी, पूरे 2 लाख रुपए। वो राधा आई है। अरे सुखी रहो बहू, 7 दिन तक यहाँ का हिसाब किताब और देख लो, 8वें दिन तो हमारे घर में आके राज करना है, सोने के झूले में झूलना है, बस और क्या। अरे राधा जी, खड़े खड़े मुँह क्या देख रही है? जल्दी से ज्योति के साथ रसोई में जा और कुछ नाश्ता वाश्ता बना। अच्छा भैया। बहुत अच्छा खाना बनाती है, आइए ना। अरे पंडित जी वो जो 2-4 जरूरी बातें आप मुझे रास्ते में बता रहे थे ना, वो जय बाबू से जाकर कर लो तुम। आओ बेटा आओ आओ। चा, 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 आइए। कहीं ऐसा ना हो भाई। अरे नहीं पंडित जी आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, आपने जैसा जैसा कहा है वैसे वैसे ही होगा। अरे ज्योति चाय तैयार हुई कि नहीं? आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए पंडित जी, मैं बारातियों की ऐसी खातिर करूंगा कि आप देखते रह जाएंगे। देखते हो बेटा। आओ। अरे नहीं साहब नाश्ता वास्ता में नहीं करता। क्यों? आज उपवास है ना, महालक्ष्मी का व्रत है। अच्छा बेटे यूं करना कि 2 दिन के बाद में आकर के सगाई की रस्म पूरी कर देना। अच्छा। चलो पंडित जी जेवर वगैरह खरीदने हैं ना। भैया आप तो मेरी चिंता खत्म हो गई। वो कैसे? वो ऐसे कि तुम्हारी हिम्मत बढ़ाने वाली देखभाल करने वाली जो आ गई है। Hmm.
तो ये है वो खूबसूरत नागिन जो तुम्हें अपनी जुल्फों में लपेट कर राणा के कदमों तक ले गई थी। हाँ बड़े भाई, यही है वो जहरीली नागिन जिसे बिल से बाहर निकाल कर मैं लपेटूंगा। जुग जुग जियो मेरे भैया। आ करो। नहीं नहीं पूरा पूरा नहीं, पूरा, पूरा। ससुराल जाकर हर साल अपने भैया को राखी बांधने के लिए तू आएगी ना? ये कैसी बातें कर रहे भैया, क्यों नहीं आऊंगी? तो फिर आज की तरह पहले तू ही मेरा मुंह मीठा करवाना, पराई हो जाएगी तो मैं थोड़ी ना तेरे मुंह में निवाला डालूंगा। जानती है आज रक्षाबंधन के मौके पर मैं तुझे क्या त्योहारी दूंगा? क्या देने वाले हो बताओ तो। आज मैं तेरे हाथ में अरुण का हाथ दूंगा भैया। एक भाई के लिए आज के दिन से बढ़कर और कौन सा दिन हो सकता है कि वो रक्षाबंधन के मौके पर अपनी बहन को उसका प्यार लाकर दे दे। मैं भी तुम्हारी लाल जी के यहां जाता हूं और तेरी शादी का मुहूर्त निकलवाता हूं।